मैं अपन रही मैं फैमिली में से। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्वी प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है, वो देखेंगे। ठीक है, सो इट हैज नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स देखेंगे और देन बेसिक रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो और ये प्रोसेस जो है वो पेपर में जनरली आता भी है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर आया तो फ्लो चार्ट बनाना आ जाएगा, या इसका कोई ना कोई स्टेप दे देंगे आपको कि वो बता दें कि स्टेप में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट होंगी, क्या रिएक्टेंट्स वगैरह होंगे। इस तरीके से भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, रिएक्शन आपको लिख के दे दिया जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि भैया मिसिंग एल जो कंपाउंड है वो बताएं वो कौन सा है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड मेनी अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नोन एज द सॉल्वे प्रोसेस। एक तो देखिए बैच प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या होता है कि दैट आप एक रॉ मटेरियल देंगे, ठीक है, उससे प्रोडक्ट बनेगी और वो प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आप दोबारा से रॉ मटेरियल देंगे, प्रोडक्ट बनेगी या प्रोडक्ट निकाल लेंगे। दिस इज नोन एज द बैच प्रोसेस, BATCH, बैच प्रोसेस। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल देते चले जाते हैं, प्रोडक्ट बनती चली जाती है, आप प्रोडक्ट को रिमूव करते चले जाते हैं। ठीक है, और उस प्रोडक्ट में से कुछ ऐसा कंपाउंड भी साथ में प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और रॉ मटेरियल ऐड करके प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस भी क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। वो हम आगे जब हम स्टेप्स देखेंगे इसके तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कैसे हो सकता है। ओके, रॉ मटेरियल्स की तरफ आ जाते हैं। कमर्शियली सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस दैट यूजेस, लेट मी रेज इट फर्स्ट। ओके, इस प्रोसेस में आपके पास रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होंगे। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो कि इनिशियली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले यूज होता है अमोनिया। अमोनिया इज NH3, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड इज ब्राइन। ब्राइन असल में क्या होता है, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी ये कि वाटर के अंदर NaCl डिसॉल्व हो, लेकिन क्या हो, NaCl की अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लाइमस्टोन एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। ठीक है, लाइमस्टोन को यूज किया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक लाइम का जो है वो सोर्स बनेगा। स्लेक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द बेसिक रिएक्शंस। सॉल्वे प्रोसेस के अंदर जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स होते रहते हैं, जिनमें आप डिफरेंट तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन कैसे प्रिपेयर होती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन द ब्राइन सॉल्यूशन। आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन होगा, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन, जिसमें NaCl, देखिए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये NaCl का, यानी ये कि NaCl की अमाउंट बहुत ज्यादा है। सपोज आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, अगर आप उसके अंदर सिर्फ एक स्पून, चाहे वो टी स्पून हो गया चाहे वो टेबल स्पून हो, ठीक है, अगर आप सॉल्ट यानी NaCl डालते हैं, ठीक है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। दो डालते हैं तो भी डाइल्यूट होगा, तीन डालते हैं तो भी डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट डाल देते हैं सॉल्ट की, सपोज आपने 10 चमचे डाल दी हैं सॉल्ट की विद इन दैट सिंगल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ऑफ NaCl, तो उसको हम ब्राइन कहेंगे। अब क्या होगा कि इस ब्राइन के अंदर आप अमोनिया गैस जो है वो डिसॉल्व करते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास, अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। इस अमोनिकल ब्राइन को एक स्पेसिफिक टावर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका क्या नाम है, कार्बोनेटिंग टावर। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, अमोनिकल ब्राइन बनाना। सेकंड में क्या होता है कि उस अमोनिकल ब्राइन को आपने इंट्रोड्यूस करवाया है इनटू द कार्बोनेटिंग टावर। अच्छा, अब इस कार्बोनेटिंग टावर में क्या होगा, असल में कार्बोनेशन का प्रोसेस होगा, यानी ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई थी, थ्रू द लाइमस्टोन आई थी। ठीक है, अच्छा देखिए
हुआ क्या यहाँ पे, इन द कार्बोनेटिंग टावर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द अमोनिकल ब्राइन, उस अमोनिकल ब्राइन से क्या पास करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट, क्या था, अमोनिया था, वॉटर था, ठीक है, NaCl को अभी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया इस फर्स्ट रिएक्शन में, लेकिन NaCl का रोल है यहाँ पे, ओके okay? तो पहले रिएक्शन में क्या होता है, ऑल्दो NaCl मौजूद है विद इन दैट सोल्यूशन, लेकिन क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वाटर के प्रेजेंस में इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाय कार्बोनेट, इट इज, लेट मी राइट इट फॉर यू, अमोनियम बाय कार्बोनेट, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, अमोनियम बाय कार्बोनेट बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये है, ओके okay? अब ये अमोनियम बाय कार्बोनेट क्या करता है, NaCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड सोडियम बाय कार्बोनेट फॉर्म करता है एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो कार्बोनेटिंग टावर है बेसिकली बड़ा सा, इसके लोअर कंपार्टमेंट्स में द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोअर्ड टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब ये सारा का सारा मिक्सचर नीचे आता है तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाता है, ऊपर तो हाई टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है और इस टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि इस टेम्परेचर पे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, इट विल प्रेसिपिटेट आउट और आपके पास सोल्यूशन के अंदर सिर्फ अमोनियम क्लोराइड रह जाएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये होगा कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम दिस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी मौजूद है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद है, इसका हमने टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे जब लाया तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो आपने क्या कर लिया, इसको छान लिया, निकाल लिया, फिल्टर आउट कर लिया, ठीक है, अब इसको दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि यूज किया जाएगा एज द बेकिंग सोडा, ठीक है, तो यहां तक आपको होप्स सारे प्रोसेस क्लियर हो चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या होगा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं उसको हीट किया जाता है, ठीक है, आपके पास ये जो सॉलिड फॉर्म में आया था ना इसको क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाएगा तो इसके अंदर से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंड साथ में आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपने यहां पे यूज किया था, ठीक है, सेकेंड स्टेप में यूज किया था, तो जो मैंने आपको कहा था ना कि इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये जो सॉल्वे प्रोसेस है वो इस वजह से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि जो प्रोडक्ट बन रही है बीच में उसमें कोई ऐसी बाय प्रोडक्ट भी बनेगी जो कि दोबारा से यूज हो जाएगी इन द प्रोसेस, ठीक है, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ओके, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिसाइकल्ड इन द प्रोसेस एंड आपके पास सॉलिड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट बन रहा है इससे इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस कहा जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इन अ किल्न, अब जब इसको हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज किया जाएगा इन टू द कार्बोनेटिंग टावर और सेकेंड स्टेप में इसको यूज कर लिया जाएगा, ओके, देन इक्वल अमाउंट्स ऑफ लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, उनको मिक्स किया जाता है अगेन टू प्रोड्यूस द स्लेक लाइम, ठीक है, यहां पे देखिए दिस स्लेक लाइम इज पम्प्ड टू द अमोनिया रिकवरी टावर, अब इस स्लेक लाइम को यूज किया जाएगा, ये जो यहाँ पे बना इसको अमोनिया रिकवरी टावर में यानी लास्ट स्टेप में यूज किया जाएगा, जहां से जिस स्टेप के अंदर आप अमोनिया को दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे और अमोनिया को दोबारा से पूरे प्रोसेस में यूज करना शुरू कर देंगे,
ठीक है, द सोल्यूशन कंटेनिंग द अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड वाला सोल्यूशन था बना था आपके पास ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रेसिपिटेट आउट किया था और उससे फिर सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करवाया था और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाया था। इस सोल्यूशन को क्या किया जाता है, इसको जो है हम अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर हम उसको हीट करेंगे विद द स्लेट लाइम जो कि इस स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था। इससे क्या होगा कि अमोनिया रीजनरेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ एंड देन वाटर भी प्रोड्यूस हो गया। देखिए इस वाटर को आप ब्राइन के सोल्यूशन में यूज कर सकते हैं एंड देन ये जो अमोनिया है इसको अगेन फर्स्ट स्टेप में अमोनिकल ब्राइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या सेकेंड स्टेप में यानी कार्बोनेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी रीजनरेट हो रहा है, अमोनिया भी दोबारा से प्रोड्यूस हो रहा है और इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस हम देखें तो ये एक चीप प्रोसेस है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स जो हैं वो सारे के सारे चीप हैं। जैसे देखिए अमोनिया जो है वो एक सस्ता आपके पास आ जाता है, वाटर आ गया, इसके साथ साथ जो होता है वो सोडियम क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट वो भी आ गया, ठीक है। एंड देन ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस बिकॉज कोई भी ऐसी गैसेस प्रोड्यूस नहीं हो रही जो कि हार्मफुल हो फॉर द एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको रीयूज करते चले जा रहे हैं तो वो एटमोसफेयर में नहीं जा रहा, ठीक है। तो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल क्योंकि हीटिंग का प्रोसेस बहुत कम है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कोई भी सोल्यूशन एवोपरेट हम नहीं कर रहे जिसके लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो यहाँ पर रीजनरेट हो रहे हैं और वो रीयूज हो रहे हैं इनटू दिस प्रोसेस, तो रॉ मटेरियल का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, मोस्टली जो सॉल्वर प्रोसेस होता है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये भी आ जाते हैं कि आप इसके फ्लोचार्ट डायग्राम जो है वो बिल्ड करें, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फुल सॉल्वर प्रोसेस आता है तो आपने सॉल्वर प्रोसेस लिखने के बाद उसकी फ्लोशीट डायग्राम ज़रूर बनानी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप वाला देखिए कि जिसमें ब्राइन और अमोनिया जो है वो कंबाइन होकर अमोनिकल ब्राइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड देन वो अमोनिकल ब्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इनटू द कार्बोनेशन टावर, ठीक है। कार्बोनेशन टावर में क्या होगा, देखिए कि आपके पास अगेन जो है वो आप कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल ब्राइन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिकल बाइकार्बोनेट। इस अमोनिकल बाइकार्बोनेट इट सॉरी अमोनियम बाइकार्बोनेट को अगेन आप NaCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा एंड देन यू विल हैव अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इनटू दिस प्रोसेस, और फिल्ट्रेशन में क्या होगा, सिंपली ये जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा फ्रॉम द सोल्यूशन या फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड जो है वो सिंपली रह जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हम यहाँ से टोटल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से देखिए कार्बोनेशन टावर में अमोनियम क्लोराइड आया, ठीक है, एंड देन सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो आगे प्रोड्यूस करता है सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि आपको मिला था इन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है। आप फिल्ट्रेशन में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि फिल्ट्रेशन करके इसको निकाल लिया जाता है एंड देन सोडियम बाइकार्बोनेट आगे जो है वो फर्दर कैल्सिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये मेंशन है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अगेन कार्बोनेशन टावर में आ जाता है, जबकि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये कहाँ जाता है, ये अमोनिया रिकवरी टावर में जाता है जहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस होता है एंड देन कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, और ये अमोनिया जो है वो अगेन यहाँ पर यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो है वो भी पोर्शन दिखाया गया है कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो स्लेट लाइम में कन्वर्ट होगा और यूज हो जाएगा इनटू द अमोनिया रिकवरी टावर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप टोटली इस प्रोसेस को सॉल्वर प्रोसेस को आप याद कर लें। देखिए जब आपको ये फ्लो चार्ट याद होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको सारे प्रोसेस भी याद हो जाएंगे।
या अगर आपको पूरा प्रोसेस याद है ना तो फ्लो चार्ट भी याद हो जाएगा. तो दे आर अ मस्ट फॉर वन अनदर. फ्लो शीट डायग्राम जो होती है वो एक शॉर्ट डायग्राम होती है जो कि बहुत बड़ी यू नो स्टेप्स को लिखने के बजाय या मेमोराइज करने के बजाय उनको ईजी फॉर्मेट में याद करवा देते हैं. ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो फ्लो शीट डायग्राम को लाजमी याद रखें.